हेलो एंड वेलकम है आप लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। और दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं लॉजिटेक G29 ड्राइविंग व्हील को। तो दोस्तों इसकी मदद से हम रेसिंग कर सकते हैं, एकदम रियलिस्टिक रेसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काम करता है PS3 PS4 और PC के अंदर। तो यहाँ पे आप बॉक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉजिटेक यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है G29 ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, जो हमारा रेसिंग व्हील है और पैड्स है उनकी यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। और दोस्तों काफ़ी समय से इसकी अनबॉक्सिंग पेंडिंग थी और फाइनली आज हमें मौका मिल गया ऐसे करने का। तो मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ किस तरह का बॉक्स है। तो यहाँ पर जो है व्हील के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या बटन काम करते हैं, और इस साइड देख लेते हैं पैड को डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। और चलिए दोस्तों जल्दी से इसको खोलते हैं। तो ये रहा हमारा खूनी खंजर, तो इसकी मदद से जल्दी से काट लेते हैं और खोलते हैं इसे जल्दी से। ओके, तो यहाँ से ओपन करना है, तो ये हमने ओपन कर लिया है और इसको भी साइड से खोल लेते हैं जल्दी से। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिख रहा है, और अगर आप इसे खरीदते हैं तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से हमें इसको सेटअप करना होता है। तो दोस्तों और देख लेते हैं कि हमें क्या मिल जाता है। यहाँ पर हमें मिल जाता है ये पावर अडेप्टर, जिसको हमें लगाना होगा अपने आई थिंक रेसिंग व्हील में, और उसके थ्रू इसको पावर मिल जाएगी। और देखते हैं हमें क्या मिलता है। कुछ पेपर वर्क हमें मिल जाता है और कुछ और पेपर वर्क हमें मिल जाता है, और साथ में हमें क्या मिलता है, ये रहा हमारा पैड। तो इसको निकाल लेते हैं जल्दी से, इसको रैपर को हटा देते हैं। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पैड है उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। काफ़ी हाई क्वालिटी का जो है पैड यहाँ पे दिए, एल्युमिनियम वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है इसके अंदर। तो रेसिंग गेम जो हम खेलेंगे तभी पता चल पाएगा किस तरह से वर्क करते हैं, रेस ब्रेक क्लच वगैरह सब हमारा रेसिंग गेम में हमें पता चलेगा किस तरह से ये वर्क करते हैं। और दोस्तों ये जो इसकी केबल है जिसको हमें अपने रेसिंग व्हील से अटैच करना है वो यहाँ पर है। तो चलिए जल्दी से निकालते हैं अपने व्हील को और देखते हैं कि किस तरह की इसकी क्वालिटी है। तो जल्दी से इसको हटा देते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर PS का साइन हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ये गोल सा बटन है, आई डोंट नो उसका क्या यूज़ है। बाकी जो बटन है वो R3 वगैरह जैसे हमारे की ड्यूल शॉक में होते हैं वैसे ही बटन यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि हम इसे कंट्रोलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अपने PS में। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे बटन मुझे दिख रहे हैं, और जो क्वालिटी में कहूँगा काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर आप सकते हो लेदर स्टिचिंग है, आई डोंट नो कि ओरिजिनल लेदर है कि नहीं, पर काफ़ी अच्छी स्टिचिंग की गई है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से है। तो बैक देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बटन्स हैं ये हमें इसको जो स्टैंड इसको फिट करने के लिए काम में आते हैं, इसको हमें घुमाना होता है। यहाँ पर शिफ्टर देख सकते हैं आप, हमें गियर शिफ्ट करने के काम आते हैं। और अब पीछे से अगर आप इसकी लुक देंगे तो फोर्ड मस्टैंग जैसी लुक इसकी आ रही है कुछ, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ केबल मैनेजमेंट का सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, और ये USB केबल है जिसे हमें PS से लगाना होता है। यहाँ पर आप बटन देख सकते हो, PS3 और PS4 को करने के लिए बटन दिया गया है। आप जिस भी कंसोल पर खेलें तो उसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रही हमारी दोनों चीज़ें, तो जल्दी से हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने PS से। तो PS4 प्रो पे मैं इसको खेल के देखने वाला हूँ और देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों ये रही हमारी पावर केबल जो यहाँ पे जाएगी, और यहाँ से हमें अटैच करना है इस अडैप्टर से। और ये रही हमारी पैड की केबल, इसको भी हमें यहाँ पर अटैच कर देना है इस तरह से कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसको घुमाकर कि किस तरह से हमें इसे जो अपने टेबल है वहाँ पर इसको फिट करना होता है। तो इस तरह से जो नीचे का जैक है बाहर आ जाता है, वो बाद में जब अपने टेबल पे इसे फिट करते हैं उसके बाद आपको इसे टाइट कर देना होता है, तो ये अच्छे तरीके से जो आपके टेबल पर फिट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर मैं इसे फिट करने वाला हूँ। इस जगह पर मैं इस टेबल के ऊपर इसे फिट करने वाला हूँ ताकि ईजिली हम इसे खेल पाएँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल कंट्रोलर की तरह वर्क कर रहा है। मैं कुछ भी यहाँ पर जो है चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा हूँ अपने PS में। तो एक तरह से आपको दोबारा अपने कंट्रोल को छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ यहीं से कर सकते हैं। और दोस्तों अब इसके अंदर जो हम खेल के देखने वाले हैं वो है ड्राइव क्लब, तो काफ़ी अच्छी गेम है। तो यहाँ पे मैंने CD को लगा दिया है और जल्दी से हम इसको चलाकर देखते हैं। दोस्तों काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसे देखने के लिए कि किस तरह का एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, और क्या मेरी जो रेसिंग है वो थोड़ी सी इंप्रूव होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। आई एम रेडी, आर यू रेडी, तो गो। ओके, तो किस तरह का, ओह माय गॉड। दोस्तों मैं आपको पहली चीज़ बताऊं, ये काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है, फोर्स फीडबैक कुछ इस तरह की चीज़ इन्होंने बताई थी कि जो इसके अंदर है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी पावर है इसके अंदर, काफ़ी जो इसका जो हमें फीलिंग है जो इसकी इसको चलाने की वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं प्रॉपर तरीके से फील कर पा रहा हूँ जब गाड़ी बम्प में जा रही है, जब गाड़ी साइड में जा रही है, मैं उस चीज़ को प्रॉपरली जो है महसूस कर पा रहा हूँ उस पावर को। सच में ऐसा लग रहा है जैसे रियल में मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ। ओह माय गॉड, मेरी गाड़ी तो गई, देखा आपने, मैंने ऑडी को क्रैश कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हम इसको घुमाते हैं थोड़ा सा, काफ़ी अच्छा फीलिंग है दोस्तों। थोड़ा सा मुझे सीखना होगा इसको, मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो नॉइस है वो थोड़ी सी अजीब सी आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके, तो काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, ओह माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप गेम रेसिंग गेम में इसको खेलते हैं तो। ओके, ब्रेक सिस्टम। ओके, ओह वाओ, बिल्कुल दोस्तों मैं कहूँगा एकदम ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में। तो दोस्तों अब थोड़ी सी हम गेम को, ओह माय गॉड,
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मोड को चेंज कर दिया है। अब आप देख सकते हैं जो मोड है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पर बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे मैं अपने जो स्टीयरिंग उसको घुमा रहा हूँ, बिल्कुल स्टीयरिंग वैसे घूम रहा है और सच में ऐसा लग रहा है कि मैं इसको यहीं पर गाड़ी के अंदर खेल रहा हूँ। ओह माय गॉड, साइड से टकराने वाले थे अभी हम, तो बच गए खैर। सो आप देख सकते हैं किस तरह का मूवमेंट जो है इसका है, काफ़ी सीखने की ज़रूरत है मुझे, पर जल्दी हम उस चीज़ को भी सीख लेंगे। दोस्तों अगर बात करूँ इस गाड़ी के पैड्स की, तो इसके जो ब्रेक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं ब्रेक लगाता हूँ एकदम से गाड़ी रुक जाती है, तो वो जो फील है वो काफ़ी अच्छा है और जो रेसिंग है उसका भी क्या कहने, काफ़ी मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। और दोस्तों जो गियर शिफ्टर भी इसका आता है वो मैंने परचेज़ नहीं किया है अलग से, अगर आप चाहें तो गियर बदलने के लिए शिफ्टर भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से जो है वो चेंज कर दिया है गाड़ी को, यहाँ पर दोबारा से ऑडी चल रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट मोड में कैमरा एंगल आप चेंज करके इसको खेल सकते हैं। और अगर आप पीसी पे खेल रहे हैं दोस्तों, तो बहुत सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है आप अपने व्हील की जो है वो चेंज कर सकते हैं पीसी में। काफ़ी ज़्यादा गेम्स को ये सपोर्ट करता है जो रेसिंग गेम्स हैं। तो दोस्तों इसका जो यूज़ है इस रेसिंग व्हील का मोस्टली होता है अपना, जो आप सिमुलेटर वगैरह खेलते हैं, रेसिंग गेम्स खेलते हैं इस तरह गेम्स में, तो आप अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। और दोस्तों बात करूं कि इसके जो फोर्स फीडबैक की, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है दोस्तों। उसका जो फील है वो एकदम रियलिस्टिक है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे खेलेंगे। तो यहाँ पे अभी हम चला रहे हैं बेंटली, तो पता नहीं रियल में कभी चलाने को मिलेगी कि नहीं, पर यहाँ पे तो हम खैर चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, वैसे मैं रेसिंग गेम में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर जब मैं इस व्हील को यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा मैं सीखता जा रहा हूँ धीरे धीरे कि किस तरह से इसको यूज़ करना होता है। तो आगे जब आगे गेम्स आएंगी तो उसमें हम इसका यूज़ करके देखेंगे। ग्रांड टूरिज्मो का मुझे इंतज़ार है और जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा इस पे उसे खेल के, अभी जस्ट नहीं आई है तो पता चलेगा किस तरह से ये जो व्हील है उस पर वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आप G29 को खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए शेयर करें। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर। और दोस्तों बाय बाय।